नमस्कार, मैं हूं क्राम सोलंकी। आप देख रहे हैं निमाड़ का दबंग न्यूज। रिंकू शर्मा की हत्या को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इकाई पानसेमल के कार्यकर्ताओं ने दिया ज्ञापन। विश्व हिंदू परिषद पानसेमल बजरंग दल इकाई ने दिल्ली में 10 फरवरी के दिन समर्पण निधि संग्रहण के दौरान राम सेवक रिंकू शर्मा की निर्मम हत्या के मामले के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति के नाम पुलिस थाना प्रभारी संजू कामले को ज्ञापन सौंपा, जिसमें आरोपियों को फांसी की सजा की मांग की गई है एवं प्रत्येक राम भक्त को सुरक्षा के रूप में हथियारों के लिए लाइसेंस देने का आग्रह किया गया है। ज्ञापन के दौरान नगर के सभी दायित्ववान व कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या नाम है भाई साहब आपका? रविंद्र मराठे। आपने किस विषय में आवेदन दिया आज पुलिस थाने पर? आज हमने राष्ट्रपति माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हमने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हमने दिल्ली में 10 फरवरी को हमारे जो राम सेवक थे रिंकू जी शर्मा, उनकी निर्मम हत्या की गई। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि वे राम काज में लगे हुए थे। अयोध्या में बन रहे दिव्य और भव्य मंदिर निर्माण में जो निधि संग्रह समर्पण कार्यक्रम चल रहा है, उसी के कार्यक्रम में वो लगे हुए थे। लेकिन कट्टरपंथी मुस्लिम युवकों द्वारा उन्हें धमकाया गया और इस कार्य करने से रोका गया, जिस कारण विवाद ज़्यादा हुआ और इतना विवाद हुआ कि उन्होंने चाकू पूरे शरीर में बहुत ही निर्मम रूप से मारकर सीने में अपने शरीर पर उन्होंने चोट पहुंचाकर उनकी हत्या कर दी। इसलिए हम उन हत्यारों को फांसी हो, इसलिए हम महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग कर रहे हैं। इस हेतु हमने थाना प्रभारी पानसेमल में ज्ञापन दिया है और साथ ही हमने यह भी मांग की है कि जो युवक राम सेवक हिंदू धर्म की रक्षा के लिए लगे हुए हैं, उन्हें ऐसी ही शंका के आधार पर कि उन पर भी हमला हो सकता है, इसलिए शस्त्र लाइसेंस उन्हें भी जारी अधिकाधिक किया जाए, यह भी मांग की गई है।